भैया पिन्नू के बर्थडे में आ गए हैं। ये है पिन्नू का पसंद। आप कौन सा पसंद किए बेटा बताओ? चॉकलेट वाली देखिए। जानते हैं अभी तो उसके तो अभी मन ही नहीं मेरे, मतलब केक नहीं, उसको क्या चमकीला वाला चाहिए देखती हूँ। बताओ आप क्या लोगे बताओ? रिमोट कार। अब रिमोट कार ही जीते हैं बिन्नू आके। जानते हैं बलून और ये लेना है। हाँ बलून भी लेना है। देखिए बलून लेने भूल गए थी मैं तो। बिन्नू को अभी वो एक टॉय देखा, मैंने बोले कि आप अभी बताओ कि आखिर वो टॉय लोगे कि रिमोट का। तो अब वो टॉय भी हार गए। जानते हैं आखिर बिन्नू हर एक चीज़ में जो जो उसे बोले, स्कूल बैग चाहिए कि रिमोट का, तो रिमोट का बोला। उसे मैंने बोले कि बताइए आपको चाहिए केक, उसके पापा पूछे केक चाहिए कि रिमोट का, तो रिमोट का अभी भी वो पसंद क्या है, रिमोट का जा रहे हैं उसके लिए टॉय लेने। बिन्नू को अपनी रिमोट का मिल ही गई। खुश है बिन्नू? मैं बोल रही कि मत लो तभी भी दुष्ट वाला। माना भी अपने लिए ले ली है। भाई आएगा अपना कार से और बहन बनाएगी खाना। खुश है ना? आर यू हैप्पी? हम लोग थोड़े से भगवान के लिए फूल भी लिए जो बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बोलती हूँ आज मत छूना, कल ही छूना, नहीं तो पता चला कि वो बर्थडे में खेलने से पहले तोड़ देगा। और मान्या भी बहुत खुश है क्योंकि वो बोली कि मुझे ये चाहिए तो मैं उसको दे दीजिए कि, हालांकि वैसे वाले उसके पास दो तीन बार आए खिलौने और वो इधर से उधर फेंक देती थी, फिर भी दे दी क्योंकि वो दुखी हो जाएगी ना। मेरी लाडो दुखी होने से मुझे पसंद नहीं। भैया क्या तुम्हें रिमोट का दिखाऊंगा दोस्तों? हाँ और सुनिए, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे भाई के ही वजह से मुझे मिला था वो खाना बनाने वाला। मेरा भाई आएगा गाड़ी से घर और फिर मैं उससे खाना बना कर दूंगी। बाय दोस्तों, कल मेरा लल्ला का बर्थडे है, कल हम लोग को मंदिर भी जाना है। जानते हैं हम लोग बाजार से आए, इसका वजन करने ही भूल गए। हाँ एक पंडित जी बोले थे कि जब ये 5 इयर्स का हो जाएगा उससे पहले तक इसे वजन करके कुछ अनाज दान कर दीजिएगा। तो इसके पापा वजन करा, इतना कम है जानते हैं, सिर्फ 11 kg है ये। पतलू एकदम बदमाशी कर करके पतलू हो गए। सो गाइस कल विनायक का बर्थडे, आप सब आकर उसे आशीर्वाद दीजिए।